नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सपनों का शहर और देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले मुंबई में पानी गुम सा हो गया था और अब हालात ये है कि पानी में पूरी मुंबई गुम हो गई है। गर्मी से बेहाल लोगों ने बारिश के लिए खूब दुआएं मांगी। लगातार मानसून का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मुंबई वासियों को क्या पता था कि ये मौत का मानसून होगा। मुंबई इन दिनों भारी बारिश से बेहाल है। पिछले चार दिनों में मुंबई की गलियों में हर तरफ पानी भर चुका है और आलम ये है कि वहां के लोग भारी बारिश के चलते अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने ऑफिस में फंस कर रह गए हैं। लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस वक्त मुंबई में उतनी बारिश हो रही है जितनी की दिल्ली में पूरे एक साल में होती है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। सड़क पर चलती गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, ट्रेन के चक्के भी जाम हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ रेंगता हुआ ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। बारिश से बेहाली तो इस शहर में हर साल होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने शहर को पंगु बना दिया है। मुंबई में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक लगभग 36 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। साल 2005 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई में पिछले 24 घंटों में इतनी भारी बारिश हुई है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ पानी इकट्ठा होने के कारण मुंबई एयरपोर्ट का मुख्य रनवे अभी भी बंद है। सेंट्रल रेलवे ने डोंबिवली और ठाणे से यात्रियों को ले जाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि भारतीय नौसेना ने BMC के एक अनुरोध के बाद कुर्ला में बारिश से प्रभावित और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कई टीमों को भी तैनात किया। NDRF, फायर ब्रिगेड, नौसेना की टीमों के साथ साथ सिविल डिफेंस की मदद से अब तक लगभग 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तो फिलहाल तो हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। इसके लिए आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।